नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील करूंगा। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार पत्रकारिता, निर्भीक निडर पत्रकारिता को स्थापित करने की। इसमें हमें आपके मदद की जरूरत है। आप हमारी आर्थिक मदद करें, हमें डोनेशन दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने और साथ ही साथ सत्य हिंदी का मोबाइल ऐप भी आ गया है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। 37 साल, जी हाँ, 37 साल बाद भी हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा तबका, सिख तबका, वो आज भी इंसाफ के इंतजार में उसकी आंखें सूख रही है। 1984 में दो घटनाएं ऐसी हुई जिसको इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा, और जो घाव 1984 में भारत को मिले, सिख समाज को मिले, उसको भी वो कभी भुला नहीं पाएगा। सबसे पहले जून के महीने में, आज ही के दिनों 37 साल पहले, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। और ऑपरेशन ब्लू स्टार इसलिए हुआ था क्योंकि सिखों के पवित्र जगह अकाल तख्त पे जनरल सिंह भिंडरवाला के नेतृत्व में आतंकवादियों, दहशतगर्दों का एक बड़ा तबका इकट्ठा हुआ था। उसको निकालने के मकसद से भारत की सेना ने वहां पर अकाल तख्त में, एक तरीके से कहें, उनको निकालने की कोशिश की थी। और उसके कुछ महीनों के बाद उस वक्त के प्रधानमंत्री मिसेस इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ था, उनके अपने ही अंगरक्षकों ने किया था। और उसके बाद हिंदुस्तान ने जो जलजला देखा, वो जलजला शायद कभी नहीं देखा होगा 1947 के भारत विभाजन के बाद से। बड़े पैमाने पर सिखों का कत्लेआम किया गया। सिख उसके बाद से लगातार इंतजार कर रहे हैं, उनको कब इंसाफ मिलेगा। अभी तक 37 साल बाद भी इक्का दुक्का मामलों को छोड़ दें तो इंसाफ नहीं मिला है। क्या हिंदुस्तान की अदालतें, क्या हिंदुस्तान की सियासत इतनी कमजोर है कि वो अभी भी उनको इंतजार करा रही, उनको इंसाफ नहीं दिला पा रही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो लगातार सिखों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनमें से एक है हिंदुस्तान के जाने माने वकील, कभी आम आदमी पार्टी में रहे और कभी पंजाब में लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे, लेकिन उनका सबसे बड़ा परिचय यह है कि उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन का पद छोड़ दिया था आम आदमी पार्टी का, और उन्होंने ज्वाइन किया कि हम एक बार, हम जो है वो सिखों को इंसाफ की जो लड़ाई 84 की है उनको दिला कर रहेंगे। ऐसे बहुत कम बिरले लोग। जी हाँ, बातचीत कर रहे हैं HS फुलका साहब की। फुलका साहब 37 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, मामूली लड़ाई नहीं है। बहुत सारे मकाम आए, बहुत सारे मौके ऐसे भी आए होंगे जब इनको लगा होगा कि अब ये इतिहास की लड़ाई में शायद वो हार जाए। बहुत बार अफसोस भी हुआ, दुख भी होगा, तलखी भी हुई होगी, नाराजगी भी हुई होगी, आक्रोश भी आया होगा, लेकिन अभी भी वो हारे नहीं है। फुलका साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फुलका साहब, सबसे पहले तो आपका स्वास्थ्य कैसा है? आपने वैक्सीन वगैरह लगा लिया है? बहुत बढ़िया, वैक्सीन दोनों लगे हैं और परमात्मा की पहरों की मेहर है। आप स्वस्थ फील कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। दोनों वैक्सीन लग गई आपको? दोनों लग गई। कैसे याद करते हैं वो ऑपरेशन ब्लू स्टार को आप? आपको पहली जानकारी कब मिली थी उसके बारे में? देखो, इससे पहले ना मैं इसकी थोड़ी बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा आशुतोष जी। जी बिल्कुल। उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो कि ज्यादातर मीडिया में है तो हैं, मगर ज्यादातर वो हाईलाइट नहीं हुई और मीडिया ने उनकी तरफ तवज्जो नहीं दिया। जी, जब आप सत्या की हम बात करते हैं तो ये सच जानने के लिए तो उन बातों में भी जाना बहुत जरूरी है। जी, ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, इसकी एक बैकग्राउंड है जिसके लिए हमें 10 साल पीछे जाना पड़ेगा। जी, 1974 में जाना पड़ेगा, 75 में जाना पड़ेगा। जब ये एमरजेंसी घोषित हुई तो इंदिरा गांधी ने लगभग सारे देश को कंट्रोल कर लिया था, उठा के सभी ऑपोजिशन लीडर को बंद कर दिया। सभी ऑपोजिशन लीडर उस टाइम भाग रहे थे, लुकने छुपने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। ये बीजेपी के लीडर कुछ बंद थे उस वक्त, जनसंघ था, बाकी जो थे वो छुपे हुए थे, और इस तरह का माहौल सब था। और सभी जगह पे उसने कंट्रोल कर लिया था, कहीं पे भी एमरजेंसी के खिलाफ कोई खड़ा होके बोल नहीं सकता। जी, मगर हिंदुस्तान में एक जगह थी और वो जगह थी हरिमंदर साहब। अकाल तख्त से रोज रोज एक जत्था निकलता था अकाली दल का,
सिखों का, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, इमरजेंसी मुर्दाबाद नारे देते हुए बाहर आके गिरफ्तारी देती थी। जब उसने देखा कि ये एक जगह है जहां इस पे कंट्रोल नहीं कर सकी, तो उसने अकालियों से बातचीत करनी चाहिए। तो उसने अकाली लीडर्स को बुलाया, जत्थेदार संतोख सिंह दिल्ली के लीडर थे, उनके थ्रू उन्होंने पंजाब के लीडर्स को बुलाया, गुरचरण सिंह तौड़ा थे, और उनके साथ मीटिंग की। उसने कहा आप तो मेरा टारगेट नहीं हो, उसकी तो जो लड़ाई है जो है वो तो मेनली जो जनसंघ के साथ दूसरों के साथ है, भी आप क्यों, बाकी सब चुप बैठे हैं, आप क्यों अकेले कर रहे हैं। और उसने कहा कि जो जो आपकी मांगे हैं अकाली दल की, पंजाब की मांगे, वो मुझे बताओ, मैं करने के लिए तैयार हूं, मगर आप ये एजिटेशन विदड्रॉ कर। उस वक्त पंजाब की दो मांगे थी, अकाली दल में एक बहुत बड़ा सेक्शन था जो ये कह रहा था कि जी हम छोटी सी कम्युनिटी है, देखो 2% है हम देश में, जी जी सारा देश चुप बैठा है, हम भी देश के साथ चलो। मगर उसमें क्या हुआ, उसमें अकाली दल की इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं किया। उस नेगोशिएशन की मीटिंग में प्रकाश सिंह बादल को बुलाया नहीं गया था। प्रकाश सिंह बादल इस बात से नाराज होके उन्होंने जो ग्रुप था, ये दूसरा ग्रुप जो कहता था कि नहीं हमने तो स्टैंड लेना है, उस ग्रुप को एक्टिवेट किया और जैसे यार लोंगोवाल को जाके कहा कि आपने अरदास किया, आप अरदास से पीछे नहीं हट सकते। तो जैसे यार लोंगोवाल थे उस टाइम अकाली दल के प्रधान, तो इन्होंने मना कर दिया कि हम एजिटेशन विड्रॉ नहीं। जी तो लगातार 19 के 19 महीने एमरजेंसी के रोज वहां से जत्था निकला, रोज इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, एमरजेंसी मुर्दाबाद, सारे इंडिया में एक जगह थी जहां पे गूंज चल रही थी एमरजेंसी के खिलाफ। जी इंदिरा गांधी को बहुत गुस्सा आया, वो आपको पता है जिस तरह की लेडी थी। उसने क्या किया, उसी टाइम बिना कोई ट्रिब्यूनल बनाए, बिना कोई वाटर डिस्प्यूट का इशू खड़ा किए, एक ऑर्डर इशू कर दिया कि राजस्थान को जो पानी जाएगा फ्री जाएगा, और बड़ा चंक पानी का राजस्थान को दे दिया, बाकी हरियाणा को दे दिया, जो SYL का जो अभी चल रहा है वो कर दिया। ये उसने उठा के ऑर्डर हरियाणा पंजाब के चक्कर में राजस्थान फायदा दिया। अब ये पंजाब में देखो एग्रीकल्चर स्टेट है, पंजाब में पानी सबसे बड़ी बात है। जब ये उसके बाद जब ये एजिटेशन चली, ये 1981-82 में जब ये एजिटेशन चली, तो ये एजिटेशन ये चली कि जो पंजाब का हक पानियों का पंजाब का है, रैपेरियन लॉ के अंडर ये जो प्राइम मिनिस्टर इसका ये जो ऑर्डर नहीं दे सकती, प्राइम मिनिस्टर को कोई राइट नहीं है, तो हमारा हक बनता है हमें ये करना दिया जाए। उसकी एक और बैकग्राउंड है, जब ये एमरजेंसी के बाद जो अकाली दल की सरकार आई, तो उन्होंने इसको चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि प्राइम मिनिस्टर को राइट ही नहीं बनता इस तरह का ऑर्डर देने का। मगर 1981 में वापस कांग्रेस की सरकार पंजाब में आ गई, इंदिरा गांधी की सरकार सेंटर में, पंजाब में कांग्रेस की, इसने इंदिरा गांधी ने कांग्रेस सरकार पे जोर डाल के वो सूट विड्रॉ कर जी। तो तब ये एजिटेशन शुरू हुई धर्म युद्ध के नाम पे। जब धर्म युद्ध के नाम पे ये एजिटेशन शुरू हुई कि पंजाब के राइट पंजाब को मिलने चाहिए, एक्चुअली ये अगर मैं कहूं ये धर्म युद्ध नहीं था, ये तो पंजाब के राइट थे, कोई कहे सिखों के नहीं थे, पंजाब के राइट थे। जब ये चला तो ये एजिटेशन चलते 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 ये बढ़ता गया, इसका सेंटर वही वहां पे हरिमंदर साहब बनता गया पहले। अब जो आपने बात की है जिस पिंडरांवाले, वो जो आपको एक बात मैं बताऊं, इंदिरा गांधी को लड़क रहा था उस टाइम काल तख्त और हरिमंदर साहब, पिंडरांवाला नहीं लड़क रहे थे, उनको लड़क रहे थे ये उस टाइम काल तख्त और हरिमंदर साहब जी। अब मैं एक बात और बताऊं, इंदिरा गांधी ने खुद तो संत पिंडरा वाले के साथ स्टेज शेयर किया, उनके साथ बैठी है। बल्कि ये अब जो कहना उसके बाद के जी नहीं जी वो तो बहुत बड़े उग्रवादी से वो से जे थे, अच्छा उसके बाद एक बात और बताऊं, संत पिंडरा वाले टारगेट नहीं थे। एक मैं और बात बताता हूँ, 1983 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के थोड़ी देर पहले, कुछ महीने पहले, वो संत पिंडरा वाले दिल्ली में आए, वही हथियार सारे उनके पास थे, वो जहां दिल्ली में कुछ दिन रहे, उसके बाद अब बसेस में, अपनी बसेस थी उनके पास, अपनी बसेस में बॉम्बे गए। बॉम्बे में जब वो रह रहे थे तो बॉम्बे में उस गुरुद्वारे पे अटैक हुआ, सॉरी रेड हुआ पुलिस का, और जितने थे जो हथियार वो सारे के सारे जब्त कर लिए। दिल्ली से मैसेज गया कि इनके हथियार इनको वापस करो, क्योंकि इनके लाइसेंस है, ये हथियार लीगल है, ये हथियार वापस करो और इनको वापस जाने दो। उनको वापस जाने दिया,
वही हथियार लेके उनको हरिमंदर साहब में जाने दिया। जब वो हथियार लेके हरिमंदर साहब में चले गए तो हरिमंदर साहब ने हथियार क्यों रखे हैं? अब ये मुझे बताओ कि ये बीच की गेम क्या है? यही ये देश समझ नहीं रहा ये बात। ये बात समझने वाली बात है, बहुत कम लोगों ने ये बात। उल्का साहब, आपके आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा था, पूरा का पूरा मामला था, भिंडरा वाले को खड़ा करने वाली इंदिरा गांधी थी, कांग्रेस पार्टी थी, और वो अकालियों से नाराज थी। मैं आपको एक बात बताऊं, खड़े करने वाली बात नहीं मैं कह रहा, इन्होंने भिंडरा वालों का सिर्फ बहाना बनाया ना परसा, बल्कि टारगेट इनका हरिमंदर साहब था। अगर आपका ने भिंडरा वाला के अगेंस्ट भी एक्शन लेना है तो उनको कुछ महीने पहले आप हथियार वापस कर रहे हो। 1984 फरवरी की स्टेटमेंट राजीव गांधी आके भिंडरा वाले तो संत है, राजीव गांधी का अपना बयान देख लो आप, भिंडरा वाले तो संत है। तो इनका टारगेट संत भिंडरा वाले नहीं थे, अब जो मर्जी आप बना दो। तो आपको आपको जानकारी कब मिली मिसेस गांधी की हत्या का? मिसेस गांधी की हत्या का अब हम नवंबर पे आ गए तो मैं हाईकोर्ट में था, ये तकरीबन वहां पे 10:30-11 बजे के बीच, दिल्ली हाईकोर्ट की बात कर रहा हूँ, 10:30-11 बजे के बीच वहां पे खबर आई वकीलों में कि मिसेस गांधी को गोली लगी है, और वहां पे काफी बात ये चल रही थी। और उसके बाद ये जाके तकरीबन 12:00-1 बजे के करीब कहते थे कि शी इज नो मोर, और वहीं पे बात आ गई कि सिक्योरिटी गार्ड ने मारी है, इसके सिक्योरिटी गार्ड ने गोली मारी है, वहां ये भी बात चल रही थी। तो मैं उस दिन, मेरे वाइफ जॉब करते थे, मैं वहां से कोर्ट से जल्दी निकला क्योंकि कोर्ट में कोई ज्यादा काम हो नहीं रहा था, कोर्ट तो खुली थी, तो मैं अपनी वाइफ के ऑफिस गया, नरैना में उनका ऑफिस था, मेरे पास मोटरसाइकिल था, मोटरसाइकिल पे मैं नरैना गया। तो उनके ऑफिस में मैं शाम को 5 बजे छुट्टी होती थी, तो मैं 4 बजे के करीब पहुंचा। उन्होंने कहा जी 5, मैंने कहा भी मिस्टर गांधी की डेथ हो गई, ऑफिस नहीं बंद किया कैसे? ना ऑफिस नहीं बंद, 5 बजे बंद होगा, 5 बजे छुट्टी होगी, बल्कि यहाँ तक नॉर्मल थी हालत। 5 बजे मैंने अपनी वाइफ को पिकअप किया, मेरा कनॉट प्लेस में मेरा ऑफिस था, मैं कनॉट प्लेस अपने ऑफिस में पहुंचा, और तब तक सारा सिटी बिल्कुल नॉर्मल था। और वहां से मैं जो निकल के जो शाम को जाने लगा, साउथ जंक्शन में रहता था, जब साउथ जंक्शन जाने लगा तब ये जो मिसेस गांधी की बॉडी जहां से चली वहां से हिंसा शुरू हुई है। ये एक बेल प्लान, 31 मार्च को, ये कोई रैट्स नहीं थे, ये बेल प्लान स्ट्रेटजी थी, जो कोई अचानक स्पॉन्टेनियस रैट्स होते हैं, स्पॉन्टेनियस होता है वो किसी जो विक्टिम कम्युनिटी है उसके एक दो लोगों को इधर उधर देख के उनको टारगेट किया जाता है। यहाँ पे ये कहीं नहीं हुआ, दिल्ली में बिल्कुल नहीं हुआ। दिल्ली में सिर्फ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से ये वायलेंस शुरू की गई। बट फुल्का साहब, आपने लंबी लड़ाई लड़ी सिखों के लिए, क्या कारण है कि अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया? मैं वैसे आपको एक बात बताऊं, सिखों के लिए तो मैंने लड़ी, पर ज्यादा बड़ी मैंने इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। ये छोली सराफ जी हमारी टीम को हेड कर रहे थे, जस्टिस तारकुंडे हेड कर रहे थे, जस्टिस सिकरी फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे बॉडी के प्रेसिडेंट थे। वो ये कहते थे हम ये दिखाना चाहते हैं कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड में नोबडी इज अबव द लॉ, लॉ इज अबव एवरीबॉडी। तो वो प्रूव करने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, और ये बात ये थी ये सक्सेसिव, क्योंकि ये जो ऑपरेशन, ये जो सारे का सारा ये प्लान थी, ये एक स्टेट एजेंसीज की प्लान थी। जिस तरह से अब दिल्ली, ये कोई ये कलकत्ता नहीं है, कलकत्ता में एकदम वायलेंस रप्ट होती है, बॉम्बे में एकदम होती है, दिल्ली इतना शांत शहर है आशुतोष जी, आप यहाँ पे रहते हो, यहाँ पे ऐसे एक रात में बैलेंस करना इजी है? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं हुआ ऐसा। आपके आपके ऊपर भी हमला हुआ था उस दौरान, आपके परिवार के किसी आदमी के ऊपर? मेरे ऊपर, हम जो साउथ सेक्शन में रहते थे तो मेरे अपने घर पे अटैक हुआ था 2 नवंबर को, और जो हमारे लैंडलॉर्ड थे, हमारे सास वाले घर को आग लगा दी थी, वो भी एक सिख ट्रांसपोर्टर का हाउस था, हमारे लैंडलॉर्ड ने हमें छुपा के रखा, और वो आए आके घर में ढूंढा, उन्होंने कहा जी वो तो भाग गए, पंजाब चले गए, तो वैसे हम बच गए, नहीं तो मेरा ख्याल है शायद वो 2 नवंबर ही मेरा आज आपके साथ बैठा ना होता मैं। तो आपने कैसे इस केस से कैसे जुड़े? मैंने तो डिसाइड कर लिया था पंजाब जाने का, मेरे वाइफ वो वहाँ लुधियाना यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते थे, वो PhD हैं, तो वो हमारी मैरिज 83 में हुई, तब वो दिल्ली में आए, तो हमने वापस जाने का पूरा प्लान बना लिया। तो हम तो सामान उठाने के लिए आए थे, ये 20-21 नवंबर की बात है,
तो जब मैं कोर्ट में गया तो मुझे पता चला कि जी रिलीफ कैंप्स में वकीलों की जरूरत है। तो मुझे ये रिलीफ कैंप में, मैंने कहा मैं जाता हूँ, बताओ क्या करूँ। तो फर्श बाजार रिलीफ कैंप में मुझे भेजा गया। वह फर्श बाजार रिलीफ कैंप में जो नागरिक एकता मंच वाले, ये एक ग्रुप बना था ये जर्नलिस्ट का, प्रोफेसरों का, और नागरिक एकता मंच वाले वो रिलीफ कैंप को देख रहे थे। जो दिनेश मोहन जी उनके प्रधान थे, ये जया श्रीवास्तव, लीला रामदास, ये सब लोग थे। इवन सागर का घोष भी उन दिनों स्टूडेंट्स ही वहां पे जाके वॉलंटियर वर्क करती थी। तो उन्होंने, जब मैंने वहां पे जाके हाल देखा को इतना बुरा हाल है और वहां पे कोई लॉयर काम करने के लिए नहीं आया, इन्होंने कहा कि आप आते रहा करो कि इनके जो फॉर्म फिल करने, कंपनसेशन के फिल करने, इनके थोड़ा थोड़ा काम करना। तो वहां से मैंने जाना शुरू किया। तो मैंने अपनी वाइफ को तब बोला कि अब हम बच तो गए ना कम से कम, तो अगर हम अब छोड़ के जाएंगे जहां पे इतनी वकीलों की जरूरत है और अब हम छोड़ के चले गए तो शायद अपने आप को जिंदगी और माफ नहीं कर सकेंगे। तो 6 महीने साल रुक जाते हैं, 6 महीने साल में जो काम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद चले जाएंगे पंजाब। मगर वहां से शुरू होता 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 ऐसे हुआ। तो तब तो मैंने सोचा भी था, मेरी तो सिर्फ 3 साल का एक्सपीरियंस था एज ए लॉयर, 28-29 साल की एज थी। बट फुल्का साहब, 11 कमेटीज बनी है 84 के कत्लेआम को लेके, वेद बारवा कमेटी बनी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनी, इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी आई, इस दौरान यूनाइटेड फ्रंट की भी सरकार आई, कांग्रेस की सरकार तो थी ही, तो इंसाफ मिलने में इतना वक्त क्यों लग रहा, कौन लोग जिम्मेदार हैं? तो एक भी कमेटी की रिपोर्ट इंप्लीमेंट थी, एक भी कमेटी की रिपोर्ट इंप्लीमेंट थी। जब ये नानावती कमीशन बना, जब ये वाजपेयी सरकार ने बनाया, हमने डिमांड किया। तो नानावती कमीशन में जब बना तो नानावती ने अपनी रिपोर्ट ही इतनी लेट कर दी कि तब तक ये मनमोहन सिंह सरकार आ गई थी, कांग्रेस सरकार आ गई थी। तो इन्होंने पहले तो सारी की सारी रिकमेंडेशन रिजेक्ट कर दी। तब ये 3 दिन पार्लियामेंट नहीं चली, बहुत हंगामा हुआ, मीडिया ने बहुत साथ दिया, बहुत जवाहर क्रिटिसिज्म हुआ गवर्नमेंट का। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी CPM, वो उनकी सपोर्ट थी गवर्नमेंट को, तो CPM में बृंदा कराट ने उनको साफ कह दिया कि इस बात पे हम आपके साथ नहीं है, आपके खिलाफ है। तो जाके जे उन्होंने अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट चेंज की, तो डिसाइड किया कि सज्जन कुमार टाइटर के अगेंस्ट केस रजिस्टर करेंगे, और जे टाइटर से एज ए मिनिस्टर रेजिग्नेशन भी लिया, तब जाके जे काम शुरू हुआ। तो किस सरकार से आपको लगा कि वो वाकई में आपको सिखों को इंसाफ दिलाना चाहते थे? क्या वो नरसिम्हा राव की सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार थी, या देवेगौड़ा आईके गुजराल की सरकार थी, या वाजपेयी की सरकार थी, या मनमोहन सिंह की सरकार? किस सरकार को लगा कि वो ईमानदारी से सिखों को इंसाफ दिलाना चाहते थे? चंद्रशेखर, शॉर्ट टेन्योर, चंद्रशेखर जिनकी सिंसियरिटी किसी की नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट टेन्योर थी चंद्रशेखर की, चाहे कांग्रेस उसको सपोर्ट कर रही थी, पर फिर भी जो उसके टाइम पे जो प्रोग्रेस हुई है वो प्रोग्रेस कहीं भी किसी टाइम पे नहीं हुई। चंद्रशेखर के टाइम पे मार्कंडे सिंह LG होते थे दिल्ली के, और मुझे ये बात ज्यादा है कि उसने ये जस्टिस जैन कमेटी थी, ये जस्टिस जैन मुझे मिले किसी मैरिज पे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने जो भगत के अगेंस्ट केस रिकमेंड किया है वो ये LG के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, जस्टिस JD जैन थे, कि LG के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो मेरी रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर दे। तो मैं क्या फिर LG रिजेक्ट कर रहा है? कहते मैंने तो LG को कहा अगर मेरे पास भेजेगा मैं तो ये रिकमेंडेशन रखूंगा। तो मार्कंडे सिंह ने उस वक्त ऑर्डर किया केस रजिस्टर का, उस वक्त इवन कांग्रेस की सरकार आ गई थी जब मार्कंडे सिंह था, तो सबने उसको कहा कि आपको बदल देंगे, वो कहता बदलते हैं बदल दे। उसने उस वक्त ऑर्डर किया केस रजिस्टर का, और JD जैन की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करो, तब ये केस चले। उसके बाद ये सरकार आ गई नरसिम्हा राव की सरकार, उन्होंने फिर केसेस को धीरे धीरे खत्म करना शुरू किया। बड़ी लंबी स्टोरी है, आप मेरी बुक देखो, वो वैनिटी शो टेली, उसमें सारा लिखा हुआ है किस किस तरह से जाके ये हुआ। VP सिंह के समय में नहीं हुआ, आपने कहा चंद्रशेखर, VP सिंह के समय पे इतना नहीं हुआ जितना हमें उम्मीद थी, नहीं हुआ उतना। चंद्र दो पॉलिटिशियन जो इसमें पूरी सिंसियरिटी से काम कर रहे थे वो ये चंद्रशेखर या मदनलाल खुराना, क्योंकि मैं जो जितना भी देखा इतनी सिंसियरिटी हमारे अकाली दल के लीडरों ने नहीं दिखाई जितने इन दोनों ने दिखाई। और अटल जी की सरकार में, अटल जी की सरकार में बात ये थी कि अटल जी की सरकार में नानावती कमीशन अपॉइंट हुआ,
मगर ये नानावती कमीशन जब अपॉइंट होना था तो इन्होंने कह दिया था जी अगर यूनानी में डिमांड होगी तो हम अपॉइंट करेंगे, और वो मनमोहन सिंह उस टाइम लीडर ऑफ अपोजिशन थे, तो मनमोहन सिंह ने उस टाइम कंसेंट दे दिया और ये अपॉइंट हुआ। अगर ये नानावती कमीशन कटल जी की सरकार के टाइम पे ये दे देते रिपोर्ट तब तो कोई स्कोप था इसके ऊपर आगे एक्शन लेने का, मगर नानावती ने रिपोर्ट ही इतनी डिले करके। अब बात ये थी अगर सरकार उसके ऊपर फोर्स करती उसको कहती रिपोर्ट दो साल में तुमने देनी है, 2000 में पॉइंट हुआ है, 2002 में तेरी टेन्योर खत्म हो गई, 2002 में प्रोसीडिंग भी खत्म हो गई, तो सरकार उसके ऊपर दबाव डालती तो वो देता, वो लेके बैठा रहा। 2004 में कांग्रेस की सरकार आ गई उसके बाद उसने रिपोर्ट दी। अटल जी की सरकार ने क्यों नहीं दबाव डाला ये तो उनसे पूछो ना। तो मनमोहन सिंह तो देश के सिख प्रधानमंत्री थे, उनसे आप लोगों को बड़ी उम्मीद रही होगी। उम्मीद तो बहुत ज्यादा थी, मगर हाँ वो उनका अपना तरीका है, जो तरीके से थोड़ा मोटा कर सकते थे कर सकते थे, जितनी उम्मीद थी उतना नहीं किया। नहीं किया उन्होंने। और आप जितनी उम्मीद थी वो नहीं किया। अभी मोदी जी की सरकार आ गई है। ये देखो ये वाली बात जो सज्जन कुमार के साथ में के में तो सरकार ने साथ दिया, मगर टाइटर के केस में अब ये अब एनडीए की सरकार में अभी मोदी की सरकार में उसको क्लीन चिट दी है, अभी भी वो केस हमने कोर्ट से रिजेक्ट करा दी। अगर ये क्लीन चिट सीबीआई ने सही दी होती तो कोर्ट रिजेक्ट क्यों करती, गलत दी थी तो हमने रिजेक्ट कराई है, वो वापस सीबीआई अभी भी इन्वेस्टिगेशन पे केस लेके बैठी है, और कमलनाथ के अगेंस्ट इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, वो संजय सूरी आपके कुड़ी ही है जर्नलिस्ट संजय सूरी, वो वहां अमेरिका से लंदन से स्टेटमेंट देने के लिए आए नानावती कमीशन के आगे, कहते मेरे सामने कमलनाथ था जब ये गुरुद्वारे के ऊपर अटैक हुआ, तो फिर भी कोई केस कमलनाथ के अगेंस्ट नहीं है। हाँ ठीक है सज्जन कुमार के केस में उन्होंने हमें हमारी सपोर्ट किया, हम उसके लिए है, मगर ये दूसरे केस वहीं पड़े। आपको लगता है इसमें इंसाफ मिल पाएगा? देखो बात ये है, अब इंसाफ तो वो होता है कि जो सरकारी आंकड़े लेके चलो, दिल्ली में 2733 सिखों का कत्ल हुआ, तो वो कत्ल करने वाले कम से कम 10-15 हजार लोग तो थे ना, तो अगर वो उनमें से 10 हजार को सजा मिले तो इंसाफ है ना। तो जब वो नेचुरल डेथ ही मर गए बहुत से लोग, तो जब उनको आपने इतना डिले करके नेचुरल डेथ मर गए तो इंसाफ काहे की बात हुई वो। और जितने पुलिस अफसर थे जिन्होंने ये किया उनको 3-4 प्रमोशन दे दी, सब पुलिस अफसर जितने भी पुलिस अफसर थे सबको इस कांग्रेस सरकार ने आके 3-4 प्रमोशन दिया, तो अब वो रिटायर भी हो गए, अब क्या करोगे आप उनका। अब तो यही है, एक मैंने पहले भी कहा था इट्स ए मैटर ऑफ ए सिंबॉलिक जस्टिस। अब ये जो सज्जन कुमार का ठीक है, एक सबसे ज्यादा बड़ा ज्यादा रोल सज्जन कुमार का, अब सज्जन कुमार को पकड़ा है, कम से कम ये कहने के हम काबिल हुए कि जो हिंदुस्तान का लीगल सिस्टम है उसने कम से कम कुछ ना कुछ तो दिखाया, कुछ ना कुछ तो किया, ये तो नहीं ना कि कोई भी नहीं। फुल्का साहब कभी आपको बहुत निराशा हुई जब आप मुकदमा लड़ते लड़ते आपको लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, यहाँ कोई इंसाफ नहीं मिल सकता, कभी आपको निराशा हुई? देखो अगर निराशा होती तो इतनी देर लड़ ही नहीं सकते। मैं एक तरह से ना जो एवरी फेलियर यूज टू इन्फ्यूज मोर एनर्जी इन मी, एनर्जी एंड एंगर के ये कैसे कर सकते हैं। अगर इन्होंने ये अब बिना विटनेस को एग्जामिन किए कोर्ट ने जजमेंट दे दी और क्विट कर दिया, ये कैसे कर सकते हैं, ये हमारे ये लॉ यहाँ पे इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा। जैसे 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 सज्जन कुमार को 1990 में की बात है, सज्जन कुमार को अरेस्ट करने के बाद एंटीसिपेटरी बेल दिल्ली हाई कोर्ट में दे दी, अब अरेस्ट के बाद एंटीसिपेटरी बेल हाई कोर्ट मसले नहीं बनता, वो भी ओरल एप्लीकेशन पे, बल्कि ऐसे ऐसे चीजें हमने देखी। एक चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को स्पेशली लेके आए, ये लाया गया क्योंकि जस्टिस वार्ड थे, जस्टिस वार्ड ने कहा सज्जन कुमार के केस रजिस्टर करो, वो किसी ना किसी ने 15 दिन के लिए जजमेंट ले ली, 15 दिन के बाद स्पेशली चीफ जस्टिस को लाए, ऐसा ऐसा टाइम हमने देखा। मगर अगर ये इन चीजों से डिसल्यूजन होके बैठ जाते तो बैठ जाते, मगर इट यूज टू फील मोर एनर्जी इन मी के ये कैसे कर सकते हैं हम, तो ये यहाँ पे ये लॉ को अपहोल्ड करा के रहे। आपको लगता है कि अब पंजाब शांत हो गया पूरी तरीके से, अब दोबारा वो मंजर नहीं दिखाई पड़ेगा?
नहीं, पंजाब तो शांत पहले ही था, ये तो इन्होंने उकसाया हुआ था। अब ये जो जितनी पंजाब में उकसाहट थी, जो जो कुछ कराया गया था, ये सभी उस वक्त से इंदिरावती प्लान थी, उसके बाद वक्त थी। और पंजाब अगर चंद्रशेखर थोड़ी देर और रह जाता ना 91 में, चंद्रशेखर की साल सरकार साल डेढ़ साल रह जाती, तो पंजाब उसी वक्त उसने शांत कर देना था। ये जो बाद में आके ये नरसिम्हा राव के टाइम पे, बेअंत सिंह के टाइम पे, के पी एस गिल के टाइम पे हजारों लोगों को मारा, बल्कि मिलिटेंट्स के नाम पे कई इनोसेंट्स को मारा, ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, जिस तरह से चंद्रशेखर कर रहा था। अगर वही पॉलिसी पे चला जाता तो पंजाब एक साल में उसी वक्त से शांत होना था। अब तो ये जो खालिस्तान का बोगी उठाते हैं, कुछ भी नहीं है पंजाब में, ये तो सिर्फ बल्कि एक तरह से फिर ये अगर ये पंजाब के लोगों को भूलने नहीं देते वो टाइम, यहाँ पे जो भी उठता है उठा के ये खालिस्तान आ रहा है, खालिस्तान आ रहा है, बल्कि ये रादर वो टाइम बारी बारी याद कराते हैं, याद करवाते रहते हैं। कोई कोई अब ये जहाँ पे बैठे फार्मर्स हैं, बैठे फार्मर्स हैं, वो ज्यादातर वो कम्युनिस्ट हैं, लेफ्टिस्ट हैं, उनको जो खालिस्तानी कहे जा रहे हैं, मैं कहे और मीडिया कही जा रहा है, मीडिया कुछ ना कुछ तो दिमाग सोचो, अरे लेफ्टिस्ट खालिस्तानी क्या बात करते हो, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। बल्कि अगर ऐसी ऐसी बातें आप ये करेंगे, टोटली नॉनसेंस बातें ये करेंगे और मीडिया भी करेगा, तो ये उकसाते हैं, पर मगर पंजाब उकसने वाला नहीं है, अब नहीं उकसने वाला नहीं होगी ना। आप तो राजनीति में भी गए थे कुछ समय के लिए। वो गलती थी, गलती थी, बड़ी जल्दी समझ के वापस नहीं, आप तो लीडर, आप मेरी बात समझे, आप मेरे बात समझे, मैं आपसे पहले समझ गया। आप तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी हो गए थे। हाँ वो तो देखो शायद मैं ना छोड़ता क्योंकि लोगों की बहुत उम्मीद थी, मगर ये बार काउंसिल ने मना कर दिया कि सज्जन कुमार का के अपील जो थी हाईकोर्ट में आर्गूमेंट के लिए, तो मैंने बार काउंसिल को कहा कि मैं ये फ्री में कर रहा हूँ क्योंकि मिनिस्टर का स्टेटस था तो प्रैक्टिस करनी अलाउड नहीं है। तो बार काउंसिल ने मना कर दिया कि आप कर ही नहीं सकते, चाहे फ्री हो चाहे पेड हो। तो मेरे पास यही था, कोई और चारा ही नहीं रह गया था। अगर मैंने केस करना था तो मुझे रिजाइन करना, तो मैंने रिजाइन किया इस केस के लिए, क्योंकि मेरी जिंदगी भर की देखो मेहनत थी। और मैं आज सोचता हूँ अगर मैंने वो रिजाइन ना नहीं किया होता तो आज ये सज्जन कुमार जेल में ना। और मैंने उस वक्त से रियलाइज भी नहीं किया था कि मेरे रेजिग्नेशन का इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मेरा जब रेजिग्नेशन हुआ तो नेशनल न्यूज़पेपर्स में मीडिया में आया कि 84 के केसेस करने के लिए मैंने रिजाइन किया। उसका इम्पैक्ट जुडिशरी के ऊपर बहुत बड़ा, बहुत बड़ा जुडिशरी के ऊपर। मैं बल्कि क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट और ये हाई कोर्ट के जज सारे जानते तो थे, वो जब उन्होंने कहा कि कोई आदमी ये मंत्री का औहदा छोड़ के आ रहा है ये केस करने के लिए, तो इसका मतलब इस कम्युनिटी को अभी भी इतनी हर्ट फीलिंग है। फुल्का साहब हाँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।